बिहार का सिवान जंक्शन। वैसे तो बहुत जंक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पर गंदे काम होते हैं, और वो गंदे काम कौन से हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं YouTube की कुछ पॉलिसी के तहत उन शब्दों को बोलने में असमर्थ हूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन ज़रूर होते हैं जहाँ पर गंदे कामों की हरकतों को भी पार कर दिया जाता है। वो सभी स्टेशन कौन से हैं आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बिहार में स्थित सिवान जंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि इस सिवान जंक्शन का वीडियो नाइट के टाइम जो हरकतें होती हैं उसका भी हमने अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर रात के समय कुछ महिलाएँ और कुछ लड़कियाँ होती हैं जो आदमी और जो आते हैं यात्रीगण उनसे किस प्रकार और कैसा बर्ताव करती हैं, सब कुछ एक्सप्लोर किया है। हालांकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिवान जंक्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यह बिहार राज्य में पड़ता है। सिवान जंक्शन एक बड़ा स्टेशन है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा स्टेशन हो। इसके जो सामने आप इस समय देख रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस स्टेशन के सामने जैसे हर एक स्टेशन में होता है राष्ट्रीय फ्लैग फहराता हुआ नज़र आ रहा है। इसके सामने जो पार्किंग बनी है, इस पार्किंग में अगर आप नाइट के टाइम सिवान जंक्शन में फंस जाते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, और अगर आपको रात हो जाती है तो यहाँ ये जो एरिया हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इस एरिया को। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हम सब कुछ डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो एरिया आप इस समय देख रहे हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बैठने की पूरी गली है स्टेशन के जस्ट सामने, अंदर अगर आप आएंगे तो इस जगह पर जो आप यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, इस जगह पर अगर आप नाइट के टाइम पर फंस जाते हैं, रुकते हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकिए। बाहर साइड जो मैंने आपको दिखाया और अंदर साइड, इस जगह पर अगर आप लोग, आपके साथ सामान है, आपके साथ कोई कुछ है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर मत बैठिए, क्योंकि मैं सिवान जंक्शन में एक बार नहीं कई बार होकर आ गया हूँ, और वहाँ पर जो मैंने अपने अनुभव को हासिल किया है उस अनुभव के आधार पर इस वीडियो को बना रहा हूं। वैसे अगर यहाँ की बात करें तो अगर आप दिन में हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे रात अंधेरा होता जाता है तो ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से लेकर बाहर तक, और जो नीचे बैठने की कुर्सियाँ हैं, जो पूरा इलाका इस समय आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से लेकर बाहर तक जहाँ पार्किंग है वहाँ तक कुछ महिलाएं और कुछ लड़कियां भी रहती हैं। हालांकि कुछ लड़के भी होते हैं जो यहां सीढ़ियों में बैठे रहते हैं, कहीं कोई बाहर बैठा रहेगा, कहीं कोई अंदर बैठा रहेगा, वो आपसे आएंगी, कुछ महिलाएं आती हैं और कुछ आपसे डील करने को कहती हैं, आप उनसे समर्थ हो जाएंगे, समर्थन कर देते हैं आप, और उन्हीं चीज़ों में, उसी चीज़ में आपसे फ्रॉड हो जाता है। किस प्रकार फ्रॉड होता है मैं आपको एक एक करके अभी बात को बताता हूँ। जैसे कुछ महिलाएँ आती हैं, वो आपसे कहीं जाने की बात करेंगी, और जैसे आप ये बोलेंगे कहाँ जाना है, जैसे वो बोलेंगे कि इस तरफ आइए, और आप चले जाते हैं तो आपके साथ वहाँ पर अगर आप पीछे वाली जेब में पर्स या फ़ोन डाले हुए हैं तो वो पर्स और फ़ोन सब कुछ गायब हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा उद्देश्य ये इस वीडियो को बनाने का ये है कि अगर आपको ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सभी सब जगह आपको यहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियाँ बैठती हुई नज़र आएंगे, तो इन एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप किसी भी एरिया में रहें, जो आप एरिया इस समय हम दिखा रहे हैं, कहने का मतलब बस इतना है कि आप कहीं पर भी रहें, अपनी जो अपने पास जो सामान है सबको अंदर रखें और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड एरिया है तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपने सामान का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।